पार्टी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को एयर कंडीशनर की हवा छोड़ करके घर से बाहर निकलकर लोगों और कार्यकर्ताओं से मिलने और अपने संगठन को मजबूत करने की सलाह दी है। वहीं आज विधानसभा में प्रदर्शन न करने पर ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बेबाक जवाबों की वजह से चर्चा में रहते हैं और हमारे साथ में हैं। ओम प्रकाश राजभर, क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है? कहाँ गड़बड़ है? आज विधानसभा का जब संबोधन चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के विधायक तो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आपके विधायक तो वहाँ पर कुछ शांत बैठे हुए थे। देखिए, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। आपने अगर गौर किया होगा तो इसके पहले जब जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण हुए हैं तब तक कागज के गोले फेंके जाते थे, लेकिन आज उस पर विराम लगा। आज कागज के गोले राज्यपाल महोदय के ऊपर नहीं फेंके गए। एक परंपरा खत्म हुई ना, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सबको सुनना चाहिए। दूसरे दिन हमारा अपना सुझाव है, दूसरे दिन सब लोग विरोध करें, लेकिन एक उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च कुर्सी पर विरोध हमको अच्छा नहीं लगा, इस नाते हमारी पार्टी इस विरोध में शामिल नहीं थी। तो इसका मतलब नहीं कि हम समाजवादी पार्टी से अलग हैं। अब समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए हम गठबंधन किए हैं कि हम विरोध करने के लिए साथ है, जो उन्हें मनो तब न करेंगे। हमको जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। वो उनकी पार्टी हुआ करने से अगर बढ़ेगी तो वो करें, हमारी पार्टी गाँव में मीटिंग करने से बढ़ेगी तो हम गाँव में मीटिंग करेंगे। जब साथ गठबंधन है तो हमारी तुम्हारी क्या, तो संगठन तो मजबूत। क्यों भैया, वो चल गोली मारा का तो चला संगे गोली मारी, हम चल कोई गोली मारी जाए 302 के मुलजिम बने। तो आजम खां कह रहे हैं मन खट्टा हुआ है, तो क्या ओम प्रकाश राजभर सबको इकट्ठा करके समाजवादी पार्टी में गए थे, क्या मिठास उसमें लाएंगे? समाजवादी पार्टी में कहाँ खटास है? नहीं, आजम खां ने कहा कि मन खट्टा है उनसे। किससे? अखिलेश से। ऐसी ऐसा उन्होंने बोला है? हाँ, वहाँ पे बोला था रामपुर में। नहीं, आपने सुना नहीं। उन्होंने जो मैंने सुना देखा है आप ही लोगों के चैनल पे, उन्होंने कहा कि हमें अपने लोगों ने धोखा दिया। तो अपने लोगों में उनके लोग भी हैं जिन लोगों ने दरखास्त दिया, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो FIR नहीं करवाई। अब एक सांसद, एक मिनिस्टर, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक भकड़ी चोरावे जाई, किसने मुकदमा लिखवाया? समाजवादी पार्टी नहीं लिखवाया ना। तो उनका इशारा कि जो रामपुर के उनके लोग हैं उन लोगों के तरफ से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं जिससे वो दुखी हैं, ये उनका है। सर, ज्ञान बाफी का मुद्दा क्या विधानसभा में उठाएगी समाजवादी पार्टी? ओम प्रकाश राजभर उठाएंगे? क्यों उठाएंगे? हम उठाएंगे एक समान अनिवार्य शिक्षा। जब एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक टैक्स, एक देश एक पेपर, तो एक देश एक समान शिक्षा, ये उठेगा। दूसरा, गरीबों का इलाज फ्री में, जातिवार जनगणना, नौजवानों को रोजगार नौकरी, ये सदन में उठेगा। लैंड ऑर्डर खराब है वो उठेगा। एक आखिरी सवाल है कि आप अखिलेश यादव को नसीहत दिया है कि एसी के बाहर, कमरे के बाहर निकलें और जनता के बीच में जाएं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर अगर एक दिन में 4 मीटिंग कर सकते हैं तो उनकी बड़ी पार्टी है, बड़ी यार नेता है उनके पास, तो वो निकल करके मीटिंग करेंगे, जनता के बीच में जाए। 22 में जो हम लोगों ने धोखा खाया है उससे सीख लेके हमको 24 में अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि 27 में हम बेहतर कर सकें, इसके लिए हम कहे हैं। शुक्रिया। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना था कि अखिलेश यादव बाहर निकलें और जनता के बीच में जाएं, क्योंकि 2024 का चुनाव है उसको भी देखना है, जनता से जो वादे किए थे उसको भी निभाना है। कैमरा सर रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।